दोस्तों, इस देश में घूमने के लिए एक ऐसी जगह है जहां महिलाएं वहां जाकर अपने सारे कपड़े उतारकर फोटो खिंचवाती हैं। इस देश में जहां मावरी समुदाय के लोग काफी अजीब और रहस्यमयी होते हैं। इसके अलावा यहां की महिलाएं देह व्यवहार खुलेआम करती हैं। दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है न्यूजीलैंड। दोस्तों, यह एक आइलैंड देश है जो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर के हिस्से में आता है। इस देश को कई द्वीपों से मिलाकर बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी इसके दक्षिणी और उत्तरी द्वीप पर बसती है। दोस्तों, उम्र के मामले में न्यूजीलैंड काफी नया देश है जो सिर्फ 400 साल पहले ही बसाया गया। इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इस देश में आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन समुद्री तट से 128 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। दोस्तों, न्यूजीलैंड वह देश है जहां आदमियों से ज्यादा भेड़ों की संख्या रहती है। जितनी यहां की आबादी है उससे 10 गुना तो ज्यादा यहां भेड़ रहती है। प्राकृतिक रूप से यह देश बहुत ही सुंदर है। यहां की सरकार केवल टूरिज्म सेक्टर से हर साल 1600 करोड़ रुपए कमा लेती है। न्यूजीलैंड में वैश्यवृत्ति जैसे काम को कोई भी महिला अपनी मर्जी से कर सकती है, क्योंकि यहां पर इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया और काफी सारी महिलाएं इस काम से इस देश में अच्छा खासा पैसा भी कमा रही हैं। 268,000 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा न्यूजीलैंड फैला हुआ है और यहाँ की आबादी सिर्फ 50 लाख के आसपास है। इस छोटे से देश में एक दो नहीं बल्कि 3-3 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश, मावरी और तीसरी न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज। यहाँ पर चलने वाली करेंसी को न्यूजीलैंड डॉलर कहते हैं, जो भारत के 52 रुपए के बराबर आता है। दोस्तों, यूं तो इस देश में बहुत ही सुंदर शहरों की कोई कमी नहीं, लेकिन जब बात राजधानी की होती है तो यहाँ की राजधानी वेलिंगटन सिटी है। यह शहर पिछले 150 सालों से न्यूजीलैंड की राजधानी है। दोस्तों, इस देश के ओटागो शहर के कार्डोना वैली में स्थित एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर लड़कियाँ और महिलाएं अपने कपड़े उतारकर तार पर टांग देती हैं और अलग अलग तरीके से पोज देकर फोटो खिंचवाती हैं। न्यूजीलैंड का वॉल्विंग स्ट्रीट बहुत ही अजीब तरीके से डिजाइन किया गया है, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ 38 डिग्री ढाल से बना है। इस देश का ऑकलैंड शहर अपनी सुंदरता के लिए वर्ल्ड फेमस है। न्यूजीलैंड में ज्यादातर यूरोप से आए हुए लोग रहते हैं। इसके अलावा यहाँ 15-20% मावरी समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी अपनी एक अलग ही संस्कृति, पहनावा, खान पान और रहन सहन है। इस समुदाय के लोगों को यहाँ पर काफी मजबूत माना जाता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड वह देश है जिसे डेनमार्क के बाद दूसरा सबसे ईमानदार देश माना जाता है। यहाँ पर सभी लोग अपने काम के प्रति पूरे तरीके से ईमानदार रहते हैं। यहाँ पर करप्शन जैसी कोई चीज होती ही नहीं। न्यूजीलैंड में सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियनिटी है। इसके अलावा यहाँ एंग्लियन और रोमन कैथोलिक को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड दुनिया का पहला वो देश था जिसने साल 1893 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था। दोस्तों, न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी नाम से जाना जाता है, क्योंकि कीवी नाम का पक्षी सिर्फ इसी देश में पाया जाता है। न्यूजीलैंड की महिलाएं 82 साल तो पुरुष 78 साल तक औसतन अपना जीवन बिताते हैं। जहां दुनिया के बाकी देशों में 18 साल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, वहीं न्यूजीलैंड में ड्राइविंग आती है तो भी आपका लाइसेंस बड़ी ही आसानी से बन जाएगा। न्यूजीलैंड को प्राकृतिक सुंदरता, जंगलों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ अनेकों प्रकार के सुंदर पक्षी और जानवर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ बड़े बड़े घास के मैदान काफी सुंदर होते हैं। ऊन के उत्पाद में इस देश को दूसरा स्थान हासिल है, जबकि पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। समलैंगिक विवाह न्यूजीलैंड में कानूनी रूप से मान्य है, और तो और सिर्फ 14 साल की उम्र में यहाँ शारीरिक संबंध बनाना बहुत आम बात है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की महिलाएं बहुत ही खूबसूरत और हसीन होती हैं और अपने मुताबिक अपना जीवन जीना पसंद करती हैं। इस देश में महिलाओं को पुरुषों के सम्मान ही देखा जाता है, इसीलिए पुरुष और महिलाओं की सैलरी बराबर होती है। शहर ऑकलैंड के साथ राजधानी वेलिंगटन, क्रिस्टचर्च, हैमिल्टन और क्वीन टाउन में अधिकांश लोग रहते हैं, और इन शहरों की सुंदरता लाजवाब है। भारतीयों को न्यूजीलैंड जाने के लिए वीजा अनिवार्य है।
न्यूजीलैंड अपनी सीमाएं यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, फ्रांस, क्रिबाती, समुआ और टोंगा के साथ साझा करती है। न्यूजीलैंड अपना स्वतंत्रता दिवस 6 फरवरी को सेलिब्रेट करता है। यहाँ के लोगों को नाइट लाइफ इंजॉय करना काफी भाता है। शनिवार संडे के दिन से लेकर रात तक यहाँ के लोग पार्टी करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको न्यूजीलैंड का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक देके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। मिलेंगे और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।